एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डी सिल्वर शेड्स। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ हम सब निकल पड़े हैं, हम सब मतलब कि मैं, मेरी सिस्टर एंड मेरे हस्बैंड, हम लोग तीनों निकल पड़े हैं किसी जरूरी काम से, वो आपको बाद में पता चलेगा। और हम लोग स्कूटी से आए हैं, इसलिए हमारा बाल खराब हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे बाल ठीक कर रही थी और इनको बुला रही थी कि आ जाओ मेरे वीडियो में। तो ये देखिए और हम लोग आए हैं प्रभातम मॉल, जो कि हमारी घर से काफी दूर है। और अभी हम लोग जा रहे हैं लिफ्ट में, तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर में, क्योंकि हमें भूख लगी थी, दोपहर का टाइम है, हमने लंच नहीं किया था, इसलिए हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग जिस काम से आए हैं वो काम करेंगे। हमें प्रभातम के पास ही काम था, इसलिए हम लोग लंच करने के लिए प्रभातम ही आ गए। यहाँ देखिए धीरज और मेरी बहन छोटी आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे आ रही हूँ उनको रिकॉर्ड करते हुए। और इधर देखिए, यहाँ गेमिंग जोन है, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए सारे फूड सेक्शन है, वाव मोमो, वाव चाइना एंड बहुत सारे हैं, आप जहाँ खाना चाहो वहाँ खा सकते हो। और यहाँ पे हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, और हमने ऑर्डर किया है चिली गार्लिक नूडल्स विथ वेज मंचूरियन। और ये जो भैया हैं ये बहुत ही धीरे बोल रहे थे, तो मेरी सिस्टर को सुनाई नहीं दे रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप ज़ोर से बोलिए, उनका आवाज़ तो लग रहा था जैसे कि उनके मुंह में ही रह जा रहा हो। तो यहाँ हमने ऑर्डर दे दिया है, उसके बाद हम लोग को वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। तो जितनी देर वेट करना था उतनी देर में हमने थोड़ा सा इधर उधर घूम लिया। और ये देखिए, ये है अमीबा, ये है गेमिंग जोन जो कि नया बनाया गया है। और यहाँ पे मैं अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन जिस दिन मैं जाऊँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ हम लोग दोनों बाहर का नज़ारा देख रहे हैं विंडो से। और अब मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरी बहन कहाँ है, वो कहाँ गई। और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ बैठी हुई थी, वेट कर रही थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो हम भी जाकर बैठ जाते हैं और अपने खाने का वेट करते हैं, क्योंकि भूख हमें जोरों की लगी हुई थी। कुछ सेकंड वेट करो, हमारे पीछे आपको एक कपल नजर आएगा, दो हंसों का जोड़ा जिनमें एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग सोच रहे थे कि आजकल की जनरेशन को और आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। तो वो कपल ये दोनों ही हैं जो आपको पीछे दिख रहे हैं बैठे हुए। फिर हम तीनों ने एक दूसरे के अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक किए ताकि हम अपलोड कर सकें इंस्टा पे। एंड यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ सीरियस बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अभी एडिट करते वक्त मुझे समझ आ रहा है कि यार हमने कितना वेट किया था, हम लोग इतने बातें कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया। एंड अभी भी हम लोग बस बातें ही किए जा रहे हैं। और यहाँ मैं फिर से बाल ठीक कर रही हूँ क्योंकि स्कूटी में बाल खराब हो गया था। दोनों जीजा साली सिजलर की बात कर रहे हैं और इनका एक्सप्लेनेशन सुनिए जरा। प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है, एकदम गरम गरम तवा से एकदम पूरा ही माहौल को भाप भाप कर देगा। सब कुछ अलग अलग से मूवी देख रहे हैं, माहौल को ही भाप भाप कर देगा, गुल्लू गुल्लू गुल्लू। और मैं यहाँ बोल रही हूँ कि यहाँ आए तो लग रहा है जैसे मूवी देख ले, क्योंकि सामने ही आईनॉक्स दिख रहा था। एंड हमें मूवी देखना आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे मूवीज़ देखना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आजकल मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा है देखना, क्योंकि मैं अपनी सासू माँ के साथ बैठकर लगभग डेली एक मूवी तो देख ही लेती हूँ। इतनी देर वेट करने के बाद हमारा चिली गार्लिक नूडल्स विद वेज मंचूरियन आ ही गया, और ये इतना ज़्यादा यमी था कि मैं बता ही नहीं सकती। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना अगर आप लोग यहाँ जाओगे तो। और अब हम लोग बाहर निकल गए हैं और धीरज स्कूटी ऑन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग तीनों सामने ही हैं एक शॉप, वहाँ जाने वाले हैं। और अब निकल रहा है स्कूटी, और ये देखिए हमारी स्कूटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड इसका कलर भी बहुत प्यारा है। जी हाँ, सही सोच रहे हो आप लोग, ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है एंड ये इतना स्मूथ चलता है, ओ माय गॉड, एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलता है, बहुत मज़ा आता है इसमें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग किस काम से आए हैं। हम लोग आए हैं अपने लिए एसी पसंद करने। जब तक मेरे हस्बैंड वहाँ बातचीत कर रहे थे, वहाँ समझ रहे थे, तब तक मैं थोड़ा घूम कर देख लेती हूँ। यहाँ पे कुकटॉप्स थे, फोर बर्नर, और हमने हाल में ही फोर बर्नर गैस स्टोव लिया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल, वाटर प्योरीफायर, ओवन एंड मिक्सर जूसर ग्राइंडर, जिसमें आप आटा भी नीड कर सकते हो एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें। फिर वैक्यूम क्लीनर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, बहुत सारे आइटम्स थे इनके पास। एंड फाइनली हमने अपने लिए एसी पसंद कर लिया है, और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि हमने कौन सी एसी पसंद की है। एंड ये है ब्लू स्टार की, एंड ये हमारे घर आ जाएगा संडे तक। तो इतना सब करते करते रात के बज गए थे 8,
और हम लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन वापस जाने के पहले हमने सोचा कि 8 तो बज ही गया है, तो हम लोग बाहर ही डिनर कर लेते हैं। तो हमने बाहर डिनर की एंड उस और हम लोग मम्मी के लिए लेकर गए थे घर। और आज हम लोग जा रहे हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने। धीरज ने सोच रखा था कि हम लोग वहाँ जाएंगे, और क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, वो अपने दोस्तों के साथ गए थे तो वो सोच रखे थे कि मुझे भी लेकर के जाएंगे। और ये रहा मेन्यू, हमने अपना खाना ऑर्डर किया, फिर हम लोग खाना खाकर वापस अपने घर चले गए। और हमारा डिनर आने से पहले हम लोग थोड़ी हंसी मजाक कर रहे हैं, ये देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इतनी जोरों की भूख लगी थी कि हमने सिर्फ सैलेड की ही क्लिप ली, और खाने की क्लिप लेना हम लोग भूल गए, हम लोग टूट पड़े खाने पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।